1999 तो लैके अज तक जिहड़ा भी जथेदार श्रोमणी कमेटी बिठाउंदी है ज्ञानी पूरन सिंह ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਬਦੰਤੀ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆਏ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਆਂ। उस तो बाद ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ जी आए। सो पिछले कई सालों तो ये भी इतने मौजूद ने। मेरा कहने का मतलब ये सी कि जदों भी तुसीं जथेदार अपने वल्लों कोई नियुक्त करदे हो जां हटाउंदे हो, अज तक एक मिसाल दे दो कि पंथ दे विच इहदा रौला ना पिया होवे, इहदी चर्चा ना हुई होवे। ये ठीक है कि अज दा ये विषय ही वखरा हो गया कि उन्हां दी स्वैच्छ है, पर जिहड़ी अगे श्रोमणी कमेटी की इच्छा के अनुसार जिहड़े लाए गए, दरअसल वह श्रोमणी कमेटी की इच्छा नहीं हुंदी। वह सब नूं पता है कि एक पार्टी जां एक परिवार जिहदा यह पूरा गलबा इस वक्त इस श्रोमणी कमेटी ते है, किते ना किते घूम घुमा के गल्लां जिहड़ियां उत्थों आ जांदियां। मैं हुण उन्हां गल्लां दे विच पैणा नहीं चाहुंदा। सो मैं अपना बादलील यह कहा कि अज लोड़ है कौम नूं कि सर्व प्रमाणित जथेदार होवे, ते जथेदार नूं उहदा एक विधि विधान होवे। जथेदार नियुक्त किवें होएगा, जथेदार दा कार्ज खेत्र की है, ते जथेदार नूं हटाउण दी विधि की है। ये विधि विधान आ उह कल्ली श्रोमणी कमेटी नहीं बना सकदी, उह पूरा समुच्चा पंथ जिहड़ा उहदे विच उहदी शमूलियत होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी, अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो एकत्रता अंतरिम कमेटी की हुई है, जिहड़ी कि बहुत शोर्ट नोटिस से 72 घंटिया के उत्ते एक लाइन का एजेंडा सी कि जरूरी विचार लई जिहड़ी है ये मीटिंग सदी गई है, और जिहदे विच पूरे पंथ दीआं निगाह सन कि इहदे विच की होण वाला। ज़्यादातर चर्चा यह सी कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो कि अकाल तख्त साहब के श्रोमणी कमेटी वालों उन्होंने सेवा दिती गई सी, उन्होंने हटाया जाएगा। पर मीटिंग दे विच ये दस्या गया कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अपनी स्वय इच्छा दे नाल तख्त श्री दमदमा साहब की ही सेवा करनी चाहते हैं। उन्होंने ये सेवा छड्डण दा जिहड़ा वह श्रोमणी कमेटी नूं मैसेज कन्वे कर दिता। तो क्योंकि हुण ऑफिशियली मीटिंग दे विच यही चीज़ जिहड़ी आ डिकलेयर हुई है, पर्दे दे पिछे की है वह वाहिगुरू जाणे। तो इसलिए क्योंकि जे हटाया जाता जां कोई होर गल कीती जांदी तां उस तरह का फिर जिहड़ा साडा रुख जिहड़ा उत्थे होना सी, पर बावजूद इस दे क्योंकि हुण एक मसला सामने आया उहदे ते जो एक मौका मिलिया। सो मैं इहनां नूं बड़ी निम्रता सहित एक बेनती कीती कि देखो 1999 दे विच सर्व प्रमाणित जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी, जिन्हां नूं उस वक्त दे मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, जिन्हां ने अपनी सरकार की पूरी ताकत ला के अकाल तख्त साहब तो लाया, क्योंकि वह दौर से जदों टौड़ा साहब नूं प्रधानगी तो लाया। 1999 तो लैके अज तक जिहड़ा भी जथेदार श्रोमणी कमेटी बिठाउंदी है ज्ञानी पूरन सिंह, ते उह सानूं पता कि उन्हां दी रुस्तगी जिहड़ी आ उह किस तरीके नाल होई। फिर ज्ञानी बदंती आए तो उदों दो बंदे जा के कहिंदे घरों उन्हां दा अस्तीफा लिआए। ज्ञानी गुरबचन सिंह आए क्योंकि डेरा सिरसा नूं माफ़ी, बरगाड़ी कांड, किड्डियां किड्डियां गल्लां, और एक कमेटी जिहड़ी आ हरियाणे दे सिखां दे मंग जिहड़ी आ एक मंग लई ते उह एक हुक्म ते ही जिहड़ा उन्हां झिंडा नूं पंथ 'चों छेक दित्ता। ये वड्डियां वड्डियां गल्लां असीं अपने सामने देखियां। उस तो बाद ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी आए। सो पिछले कई सालों तो ये भी इत्थे मौजूद ने। मेरा कहने का मतलब ये सी कि जदों भी तुसीं जथेदार अपने वल्लों कोई नियुक्त करदे हो जां हटाउंदे हो, अज तक एक मिसाल दे दो कि पंथ दे विच इहदा रौला ना पिया होवे, इहदी चर्चा ना हुई होवे। ये ठीक है कि अज दा ये विषय वखरा हो गया कि उन्हां दी स्वैच्छ है, पर जिहड़ी अगे श्रोमणी कमेटी की इच्छा के अनुसार जिहड़े लाए गए, दरअसल वह श्रोमणी कमेटी की इच्छा नहीं हुंदी। वह सब नूं पता है कि एक पार्टी जां एक परिवार जिहदा यह पूरा गलबा इस वक्त इस श्रोमणी कमेटी ते है, किते ना किते घूम घुमा के गल्लां जिहड़ियां उत्थों आ जांदियां। मैं हुण उन्हां गल्लां दे विच पैणा नहीं चाहुंदा।
सो मैं अपना बाद लील ये कहा कि अज लोड़ है कौम नू कि सर्व प्रमाणित जथेदार होवे ते जथेदार नू उदा एक विधि विधान होवे जथेदार नियुक्त किवें होएगा जथेदार दा कार्ज खेत्र की है ते जथेदार नू हटाउण दी विधि की है ये जड़ा ये विधि विधान है वह कल्ली श्रोमणी कमेटी नहीं बना सकती वह पूरा समुचा पंथ जड़ा उहदे विच उहदी शमूलियत होवे तो फिर एक तरीकाकार क्योंकि जो असी मैं ये भी मीटिंग दे विच गल कही कि अक्सर ये मिसाल दे दिंदे आ कि जे सिखां दे पोप हालांकि जथेदार अकाल तख्त का जड़ा रुतबा जां अकाल तख्त साहब जे छेवें पातशाह ने साजिया पूरी दुनिया के तख्तों तो उच्चा है दुनिया भर के तख्तों के शासक जो इस जगह आते हैं वो नतमस्तक होंगे ने निभते ने इस तखत के अगे ये अकाल पुरख वाहिगुरु छेवें पातशाह धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने साजिया होया ये तख्त है और उसका जथेदार जो कि वह एक नुमाइंदा है उस तखत का उसका रुतबा पोप नालों भी बड़े है पर असी ये देखिया कि उत्थे लगन वालिया ने भी पिछले समयां दे विच जो कुछ उन्होंने माण खटिया वह भी साढ़े सामने है तो यह तय श्रोमणी कमेटी नहीं कर सकती कल्ली ये तय कर ली समुचे पंथ की जिहड़ी है ये शमूलीयत होवे ते उहदा रूपरेखा की होवे ये साढ़े श्रोमणी कमेटी के जिहड़े साढ़े आपोजिशन के मैंबर ने वो कई बारी ये मेमोरेंडम भी दे चुके हैं पर वह जरा कुछ नहीं होया इस तो अलावा जिहड़ियां होर नियुक्तियां हुई ने जिस तरह हुण तक श्री आनंदपुर साहब दे शायद सुन रहा कोई ज्ञानी सुल्तान सिंह नूं लाया तो हुण उहनां दी की कुरबानी है की पिछोकड़ है क्योंकि जथेदारी जिहड़ी है वह एक ग्रंथीपणा नहीं है एक जरनैली है एक अगवाई करन वाला रुतबा तो मैं समझदा कि जिहड़े लोग कुदरती मतलब जिहड़ा इस वक्त एक जॉब कर रहे ने श्रोमणी कमेटी विचों उहनां तों असीं इह आसां उम्मीदां नहीं रखदे क्योंकि इत्थे अकाली फुल्ला सिंह वर्गे जहेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह वर्गे जिन्हां दे चार वार पंजाब दा मुख्यमंत्री तत्काली मुख्यमंत्री जिहड़ा दरां ते आ के बैठदा रहा सो इसलिए ये सारा कुछ जिहड़ा उहदा अपना जो मेरा बनदा फर्ज सी जो मेरी अपनी बनदी ड्यूटी सी तो मेरे साथियों ने तो असीं अपना जिहड़ा उह उत्थे अपना ये दर्ज कराया सो उह हुण क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैनू भी टैलीफोन आ रहा सी कि तुहाडा की रुख होगा साडा रुख जो अंदरों कार्रवाई होनी सी उहदे मुताबिक होना सी पर हुण अंदरों जिहड़ी उन्होंने डिकलेयर यह की कि उन्होंने स्वै इच्छा के नाल जिहड़ी उह की सो इस करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी का फैसला लैण लई इह सुतंत्र है पर फिर भी मैं इको अपील करूँगा अखीर विच कि पूरे पंथ नूं हुण जागण दा समां श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां नेड़े ने जिन्नी देर तक असीं पूरे उच्चे सुचे किरदारां वाले मैंबर ते इह इस कमेटी दे विच भरमार नहीं करांगे तां साडी अधोगति जिहड़ी आ फिर हुंदी रहेगी इह हुण संगत नूं भी जिम्मेवारी संभालण दा जिहड़ा उह समां आ गया भुला चुका दी खिमा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।